मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और देखिए हमारे यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह सब मिलके यहाँ पर बाहर है ना आंगन में बैठ गए हैं और यहाँ बैठ के सब कैरम खेल रहे हैं सुबह सुबह। और मैं बना रही हूँ सबके लिए यहाँ पर टेस्टी सा नाश्ता। और कल हमारे घर में सारा प्रोग्राम वगैरह हो चुका है और सब है ना काफ़ी थक गए थे, तो आज बहुत लेट से उठे हैं। अभी है ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं। बस अभी सब लोगों ने ब्रश वगैरह किया है और सब यहाँ चाय पी के बैठ गए हैं और कैरम का मज़ा ले रहे हैं। और साथ में यहाँ पर इन लोग कुछ प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का। मैं है ना जाके सबके लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ फटाफट से। सब लोग नाश्ता कर लेंगे यहाँ पर और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का हो गया है काम होकर, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स। और हमारी प्यारी गुड़िया से मिली है जो सबसे ज़्यादा क्यूट है और सबसे ज़्यादा छोटी है, खुशी के गोद में है देखिए। और उसको ना सभी लोग लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा क्यूटी पाई है वो। और बिल्कुल भी नहीं रोती, वो किसी के गोद में भी वो रह लेती है। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है मस्ती। यहाँ है ना सबको नारियल खाना था और कुछ नारियल थे पेड़ में और उसको तोड़ने के लिए कितने सारे यहाँ पर प्लान बन रहे थे, मतलब किस तरह से उसे तोड़ा जाए क्योंकि बहुत हाइट पे है फ्रेंड्स और कोई चढ़ नहीं पा रहा था। तो है ना यहाँ पर बहुत मुश्किलों से और भाई लोग है ना कब से लगे हुए हैं नारियल को तोड़ेंगे और उनको नारियल का पानी यहाँ पर पीना है फ्रेंड्स। तो बस यही मस्ती हमारी चल रही है, सब लोग हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना सबके साथ में। और यहाँ देखिए नारियल तोड़ने का यहाँ पर कौन तोड़ रहा है, मतलब तोड़ने के लिए कितना सारा यहाँ पर कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे है क्योंकि बहुत हाइट में है। तो बस इस तरह से नारियल वगैरह तोड़ रहे हैं यहाँ पर और एक दो टूट गया है। अब है ना इसको तोड़ के सभी लोग यहाँ पर पानी पी लेंगे और उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे यहाँ पर सब लोग। और मैं यहाँ पे फटाफट से नाश्ता वगैरह बना रही हूँ कुछ, और उसके बाद हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगी, उस जगह पे पहुंच के मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पर खाना वगैरह बना लिया है सबके लिए, खाना पानी और चटाई वगैरह सब कुछ ले लिया है हम लोगों ने, जो भी ज़रूरत का सामान है, और बस उसे लेके हम लोग पहुँच रहे हैं। इतनी सुंदर सी जगह पर हम लोग पहुँच रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए बस आप लोग देखते रह जाओगे। और ओ माई गॉड, देख के ना मेरे भाई लोग एकदम मतलब पागल हो गए जगह को देख के, क्योंकि इतनी सुंदर जगह थी ना, उनकी तारीफ तो रुकी नहीं रही थी क्योंकि इतनी अच्छी जगह कहीं उनको देखने के लिए नहीं मिलता है सिटी में। तो गाँव में ही बस ये सब दिखता है ना, इतनी बड़ी सी नदी और ऐसा पूरा जंगल का नज़ारा, ये आपको जो उनको है ना सिटी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ आकर ना देख के सब यहाँ पर पागल हो गए हैं, इतना अच्छा लगा और खुशी के मारे सब यहाँ पे झूम रहे हैं। और सचमुच बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर सी ये जगह है। हम लोग नहाने वाले हैं, सुंदर पानी है यहाँ पर देखिए। और यहाँ है ना सभी लोग अभी नहाने वाले हैं, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी सीनरी है। हमारे घर से कम 25 किलोमीटर दूर है ये जगह, बहुत अच्छी सी नदी है यहाँ पर, बहुत बड़ी सी। और भाई को लेके आई हूँ यहाँ पर घुमाने के लिए क्योंकि इतनी अच्छी जगह ना देखने लायक है ये जगह, तो बस उनको आज यहाँ घुमाने के लिए आई। और बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी घूम लीजिए मेरे साथ क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, पूरा वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर जगह है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल एकदम बीच जैसा फील हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत बहुत अच्छी जगह है और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, उन लोग आए हैं ना तो मुझे भी मौका मिला है कि मैं भी थोड़ा सा घूम लूँ उनके साथ। तो बस देखिए यहाँ पर इधर से आपको पूरा पानी दिख रहा होगा और अभी हम थोड़ी देर के बाद नहाने वाले हैं यहाँ फ्रेंड्स। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत तेज धूप है और सब लोग देखिए यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। दीदी है, जीजा है और भाई है ना, उनका फ़ोटोशूट यहाँ पर हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा इंजॉय हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बस अभी है ना पानी में जाने वाले हैं और आज यहीं पर घूमेंगे और फिर यहाँ ना फ्रेंड्स बहुत बहुत रेत है, इसीलिए ना मैं उस पर चल रही हूँ और थक रही हूँ क्योंकि सिर्फ रेत है, उस रेत में चलने भी नहीं हो रहा था। और देखिए रेत में इन लोग फिसल पट्टी यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं क्योंकि पूरा रेत था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उस पर चल रही हूँ। और देखिए अभी है ना हम लोग पानी में आगे हैं सब लोग और पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी पानी में, पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ था। और हमारी मस्ती देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और सब सबके ऊपर पानी
पानी डाल रहे थे क्योंकि बहुत ठंड था और कोई नहा नहीं रहे थे, बस पानी में खड़े थे। तो सबने एक दूसरे पर पानी फेंका और सभी लोग भीग गए यहाँ पर। और बच्चे लोग देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। जगह इतनी अच्छी है और पानी इतना अच्छा साफ था, पूरा नीचे की जो रेती थी वो सब दिख रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इतना अच्छा इंजॉय हो रहा था ना। तो सभी लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा नहा लेंगे, मतलब बहुत टाइम तक पानी में रुक गए सब लोग, मतलब नहा रहे थे। और ठंड भी लग रही थी क्योंकि ठंड का टाइम है, लेकिन उन लोगों को पानी से ऊपर आना ही नहीं था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर है ना, सब लोगों ने अब यहाँ पर सब लोगों को भूख लग गई है क्योंकि बहुत सारी मस्ती की है ना पानी में बहुत टाइम तक, तो अब सबको भूख लग गई है। तो बस अभी हम लोग सब बैठ गए हैं और यहाँ पर हमने जो घर से खाना वगैरह लिया था ना उसको अब दीदी सबको दे रही है और हम लोग खा लेंगे फटाफट से सब। तो कुछ फिक्स वगैरह लेंगे तो याद रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर आराम और हम लोग अभी थोड़ा सा पीक लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है यहाँ पर और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए हाय बोलो। बस फ्रेंड बहुत टाइम तक रुके वहाँ पर, अभी थोड़ी सी शाम भी होने वाली है तो बस हम लोगों ने स्वेटर वगैरह नहीं लाया था और अभी नहीं रुकेंगे, नाश्ता वगैरह करके और फिर रेत में बहुत टाइम तक मस्ती वगैरह किए और बहुत अच्छे अच्छे पिक्स भी यहाँ पर लिए भाई ने याद के लिए। और यहाँ ना बहुत सुंदर सुंदर पत्थर थे तो पत्थरों को भी बहुत सारा पत्थर यहाँ पर इन्होंने ले लिया है घर के लिए, तो बस बहुत अच्छा लगा, इनको भी घूम के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर कल फिर इन लोग चले जाएँगे फ्रेंड्स, तो आज हमें एक मौका मिला था तो हम लोग बस है ना एक पिकनिक की तरह यहाँ पर मनाए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनको, जंगल जंगल देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मैं भी आई हूँ आज पिकनिक में, तो पिकनिक में हमने बहुत सारा मज़ा किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस क्योंकि सबको करनी है यहाँ पर पैकिंग वगैरह कल के लिए, सुबह ही वो सब चले जाएंगे। और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है मुझे क्योंकि वो चले जाएंगे और दो दिन उनको रुकना था पर वो नहीं रुकने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बस इस तरह से हम लोग का पिकनिक भी हो गया और भाई लोगों को इन्जॉय भी हो गया है। और अभी हम लोग जाएंगे घर वापस क्योंकि थोड़ी सी ठंड यहाँ पर लग रही थी फ्रेंड्स, जंगल था पूरा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको हमारा छोटा सा पिकनिक ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।